हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मंजू कपूर की बायोग्राफी को और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। बायोग्राफी में हम देख लेते हैं इनके वर्क्स और ये हमारे सिलेबस में क्यों हैं, क्योंकि इनको कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज मिला है। और ये कब मिला था? तो 1999 में इनको मिला था। और इम्पॉर्टेंट राइटर्स जो होते हैं, इनकी बेस्ट वर्क्स के लिए उनको अवार्ड और प्राइज़ दिए जाते हैं, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़, या फिर इनका कोई नोटेबल वर्क जो बहुत ही फेमस होता है, जिसे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हो, तो मंजू कपूर जी हमारे सिलेबस में ऐड की गई हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आज हम करने वाले हैं इनकी बायोग्राफी, कि इनका बर्थ कहाँ हुआ, कब हुआ और इनके क्या क्या नोटेबल वर्क्स हैं और इनको कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये मंजू कपूर जी हैं, आप पिक्चर देख लीजिए। और इनका जो बर्थ हुआ था तो वो जनवरी 1, 1948 को हुआ था। 1 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। और इनके जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो अमृतसर, पंजाब में हुआ था। याद रखिएगा, पंजाब से रिलेटेड है। और पंजाबी नॉवलिस्ट जब नाम आता है तो मंजू कपूर जी का आता है। मैरिड टू गुण निधि डालमिया की, उन्होंने गुण निधि डालमिया से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं और 4 उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। और ये अभी न्यू दिल्ली में रहती हैं, अभी भी अलाइव हैं ये और न्यू दिल्ली में रहती हैं। और इनका करियर, इनके करियर के बारे में जान लेते हैं कि वो सी टीचेस इंग्लिश लिटरेचर एट मिरांडा हाउस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये इन्होंने क्या है कि मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं। नेक्स्ट इन अभी हम कर लेते हैं इनकी एजुकेशन की बात। तो इन्होंने जो अपनी मास्टर्स की थी 1972 में की थी इन्होंने अपनी मास्टर्स, और इन्होंने डलहौजी यूनिवर्सिटी हैलिफैक्स कनाडा में है, और उन्होंने यहाँ से अपनी मास्टर्स की थी। और उन्होंने अपनी एमफिल जो की थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी एमफिल को कंप्लीट किया था। और उनका जो फर्स्ट नोटेबल जो वर्क है, जिनके लिए बहुत 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 फेमस हैं और उन्होंने जो उनको प्राइज़ मिला है, कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़, वो इसी वर्क के लिए मिला है। तो जो फर्स्ट नोवल था उनका, डिफ़िकल्ट डॉटर्स, 1998 में आया था। ये ध्यान रखिएगा, 1998 में इनका ये वर्क आया था और इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ मिला था। कब मिला था? तो बिल्कुल 1 साल बाद इनको इनका कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ मिला था। दिस नोवल वॉज ऑल्सो ए नंबर ऑफ 1 बेस्ट सेलर इन इंडिया। तो ये जो नोवल था ये 1 ऑफ द बेस्ट सेलर्स में से था इंडिया में, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग जिसकी हुई थी। और उनका जो फर्स्ट नोवल है डिफ़िकल्ट डॉटर्स, वो क्या है? तो उसमें एक स्टोरी है, एक टेल है यंग वोमेन की, जिसका नाम होता है वीरमती। वीरमती नाम की एक महिला है, एक यंग वोमेन है, जो अमृतसर पंजाब में रहती है। और वो कहाँ रहती हैं? तो वो एक सोम्बर हाउस, स्ट्रिंजेंट यानी कि बिल्कुल ही मलिन बस्ती टाइप में, और जो कंजर्वेटिव टाइप की जो सोसाइटी है उसके अंदर उसका जो घर है। द स्टोरी रिजोल्व अराउंड हर लव इंटरेस्ट विद ए प्रोफेसर एंड हर बैटल फॉर फ्रीडम। तो ये जो स्टोरी है डिफ़िकल्ट डॉटर्स, इसमें एक लव इंटरेस्ट दिखाया जाता है यंग वोमेन वीरमती का एक प्रोफेसर के साथ, और उसका जो बैटल है या फिर उसकी जो लड़ाई है वो एक फ्रीडम के लिए है। यानी कि फ्रीडम किसकी? वोमेन की, आइडेंटिटी के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये उससे रिलेटेड है। डिफ़िकल्ट डॉटर्स इज ए साइन टू अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन ए वोमेन क्वेस्ट फॉर हर एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी। कि उसमें क्या है, जब डिफ़िकल्ट डॉटर्स में दिखाया गया है कि जब एक वोमेन लड़ती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, आइडेंटिटी के लिए, तो उसको हर कोई गलत समझता है, चाहे सोसाइटी हो, चाहे उसकी फैमिली हो, कोई भी उसको उस टाइम पर सपोर्ट नहीं करता है और उसको एक गलत समझ लिया जाता है।
सी इज स्टिग्मेटाइज्ड एज ए रफ डॉटर बाय हिज फैमिली एज वेल एज सोसाइटी। वही मैंने बताया कि सोसाइटी के द्वारा भी और इवन उसकी फैमिली के द्वारा भी, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है, ये वीरमती की स्टोरी है, इन्होंने बिल्कुल ये लिखी है, सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है कि हाँ कोई भी अगर यंग वुमेन है, अगर अपनी एग्जिस्टेंस अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ेगी तो उसको ऐसा ही समझा जाता है। हर फर्स्ट वर्क वाज रिपफ्ड बाय पब्लिशर सेवरल टाइम्स, कि इस जो वर्क है उनका जो फर्स्ट वर्क था उसको पब्लिशर्स के द्वारा लौटा दिया गया था बहुत बार, और उन्होंने बार बार उसमें संशोधन किए, बार बार उसको सुधारा और रिफाइन किया और बाद में उसको फाइनल पब्लिशिंग दी, और ये सबसे बेस्ट उनका नॉवल माना जाता है। मंजूज वन ऑफ द साइंटिफिक ट्रेड इज दैट सी वर्क्स ऑन डिफरेंट नॉवल एट द सेम टाइम विच इज़ क्वाइट रिमार्केबल, कि मंजू जो हैं, मंजू कपूर जी हैं, उनका जो साइंटिफिक ट्रेड एक ऐसा गुण है कि वो है ना एक ही समय पर डिफरेंट नॉवल्स पे काम कर लेती हैं। ठीक है, ये इनके एक साइंटिफिक ट्रेड्स बताया गया, गुण बताया गया है। सेकंड इनका जो नॉवल है, फेमस नॉवल है ये भी, बिल्कुल ए मैरिड वुमेन। ए मैरिड वुमेन में क्या है, इन्होंने एक स्टोरी बताई है, तो एक स्टोरी किसकी बताई है, तो वो उसमें एक आस्था नाम की जो लड़की होती है वो न्यू दिल्ली में अपर मिडिल क्लास की होती है, और उसकी मैरिड लाइफ की स्टोरी है, मैरिड वुमेन की, वर्किंग वुमेन है वो दिल्ली की। इट इज़ अलोरिंग जेन्युइन एंड प्रोवोकेटिव स्टोरी ऑफ लव सेंटीमेंट्स एंड प्रोफाउंड अटैचमेंट सेट एट द टाइम ऑफ स्पिरिचुअल चॉइस। ये एक जो स्टोरी है वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल नॉर्मल है, बट इसमें एक स्टोरी है सेंटीमेंट्स की, भावनाओं की, प्यार की, और प्रोफाउंड अटैचमेंट सेट ऑफ टाइम, स्पिरिचुअल चॉइस भी है इसमें। तो इसमें क्या है, एक मैरिड वुमेन की आस्था की स्टोरी को दर्शाया गया है जो कि रिलेटेड है अपर मिडिल क्लास से। आप याद रखिएगा कि मैरिड वुमेन में जो प्रोटैगनिस्ट है या फिर जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम आस्था है, और डिफ़िकल्ट डॉटर्स में जो हैं उनका नाम वीरमती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अलग अलग रखिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। अभी आपका पिछले एग्ज़ाम्स में अगर हम उठा के देखते हैं तो डिफ़िकल्ट डॉटर्स में से क्वेश्चन मिल ही जाता है, जहाँ पर आपको मंजू कपूर आपके सिलेबस में है वहाँ पे उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट है उनका थर्ड नॉवल जो है वो है होम। होम होम एक ऐसा नॉवल है जिसमें एक बिल्कुल एक ऐसी स्टोरी बताई गई है बिल्कुल नॉर्मल फैमिली की, जो मिडिल क्लास फैमिली होती हैं उनके बारे में बिल्कुल इतना डिटेल से अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है, क्लॉथ बिजनेस यानी कपड़ा व्यापारी होता है एक बनवारी लाल, और उसकी जो फैमिली होती है वो करोल बाग में रह रहे होते हैं। तो करोल बाग में जो वो रह रहे होते हैं, द स्टोरी पोर्ट्रेज ए फैमिली बेंचमार्क। इसमें क्या है कि यंग जनरेशन के बारे में बताया गया है कि जो एक फैमिली है, पर स्टोरी है कि उनके यंग जो चिल्ड्रन होते हैं, यंग बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी परिवार की जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी परंपराएं या फिर वो जो सालों से चली आ रही हैं वो परंपराओं के खिलाफ जाते हैं, और कंजर्वेटिव सोसाइटी में जब एक फैमिली आ रही है और बिल्कुल उनके फिक्स जो नॉर्म्स हैं उनको चैलेंजेस करते हैं ये। तो ये इनके वर्क्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। मंजू कपूर जी हैं डिफ़िकल्ट डॉटर्स, मंजू कपूर जी का है ए मैरिड वोमेन, ये आपका ये जो नॉवल है ये फर्स्ट नॉवल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट डॉटर्स हैं जो कि उनका सबसे पहला है, और ये 1998 में आया था, इसके लिए 1999 में कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ इनको मिला था। ए मैरिड वोमेन जो है वो उनका आया था 2003 में, और होम जो आया था वो 2006 में आया था। और इनकी अदर जो स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ टाइप की या फिर अदर नॉवल जो हैं उनके अदर राइटिंग्स हैं वो है कस्टडी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है।
कस्टडी और द इमिग्रेंट्स। कस्टडी से मतलब है कि एक ये नॉवल है, और इस ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर टीवी सीरियल, इसके ऊपर बेस्ड टीवी सीरियल बनाए गए हैं। तो टीवी सीरियल इसके ऊपर बना है, ये है मोहब्बतें, और एक मलयालम में जो बना है प्राणायाम, ये भी कस्टडी के ऊपर बेस्ड है। और द इमिग्रेंट जो है वो मंजू कपूर जी का है, इसके ऊपर एक टीवी शो बना है, टीवी सीरियल बना है, परदेश में है मेरा दिल। तो ये आपने देखे भी होंगे शायद सीरियल, और नहीं भी देखे हैं तो सुने भी होंगे, बट ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा टीवी सीरियल या फिर टीवी सीरियल का नाम दे दिया जाएगा, कि किस नॉवल पे आधारित है, इमिग्रेंट पे है या कस्टडी पे है, और या फिर ये दे दिया जाएगा कि नॉवल का नाम दे दिया जाएगा कि इसके ऊपर कौन सा सीरियल बेस्ड है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिस्ट भी दी है, ये है मोहब्बतें, ये कस्टडी के ऊपर बेस्ड है, परदेश में है मेरा दिल, ये द इमिग्रेंट पे बेस्ड है, और ये यहाँ पर हमें सबको पता है कि ये है मोहब्बतें कस्टडी के ऊपर है, बट यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है। अभी राजस्थान का जो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम था उसमें यही पूछा गया था, ठीक है। और एक मलयालम टीवी शो है प्राणायाम, कस्टडी के ऊपर बेस्ड है, और कुछ इनकी अदर जो स्टोरीज़ भी हैं या फिर वर्क्स हैं, इनको जो अवार्ड मिला है वो कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ का मिला है, ठीक है। और जो कस्टडी है, इनका जो वर्क है कस्टडी, ये कब आया था, तो 2011 में आया था, और इसके ऊपर ये सीरियल बेस्ड है। इमिग्रेंट है वो आया था 2008 में, बिल्कुल ये 2008 में आया था। एक इनकी राइटिंग और है, वर्क को एडिट किया उन्होंने, एक ही वर्क को एडिट किया है, और वो है शेपिंग द वर्ल्ड वोमेन राइटर ऑन देमसेल्व, 2014 में आया था। और इनका जो लास्ट वर्क है, यानी कि लास्ट वर्क का मतलब ये नहीं है बिल्कुल लास्ट है, हो सकता है उनके आगे भी वर्क आए, बट लेटेस्ट जो वर्क है इनका वो 2016 में आया था, और उसका नाम है ब्रदर्स, ठीक है। ये इनका, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि लेटेस्ट वर्क कौन सा है, तो ब्रदर्स जो वर्क है वो 2016 में आया था, और ये इनका वर्क है जो लास्ट लेटेस्ट में आया था। तो ये इनके वर्क हो गए, और ये हमारी यहाँ पर मंजू कपूर जी का हमने बायोग्राफी की है। और एक इनका पहला जो नॉवल है डिफ़िकल्ट डॉटर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके कैरेक्टर्स भी कर लीजिएगा, और एक साथ ही जो इनके जो मेन कैरेक्टर हैं, जैसे कि होम में बनवारी लाल हैं, और मैरिड वुमेन है, ए मैरिड वुमेन में जो आस्था है, और डिफ़िकल्ट डॉटर्स में वीरमती, और इनकी दो बहनें और भी हैं। अगर आप उनको पढ़ना चाहें तो, अगर आप स्टोरी पढ़ना चाहें तो आप इनकी स्टोरी पढ़ सकते हैं, बट आपको मेन कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए।